नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल के सवाल पर अटक गई भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुँचे। यहाँ पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा से जब पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने के फैसला सरकार द्वारा क्यों लिया गया तो वे हंसने लगी और सवाल को टालने की कोशिश करने लगी, पर मीडिया के सामने वह केवल इतना कहकर बच निकली कि यह फैसला सरकार द्वारा कुछ सोचकर ही लिया होगा, इसका फायदा ही होगा और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। वहीं उनसे जब बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए तो एक बार फिर जनता को दिए गए लाभ और योजनाओं की जानकारी का हवाला देकर निकल गई। वहीं जब उनसे जब अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या आने वाले लोकसभा चुनावों में 5 सांसदों का चेहरा बदल सकता है तो वे 2024 की तैयारी करने की बात को लेकर केवल इतना ही कह पाई कि अभी ध्यान केवल चुनावी तैयारियों पर है, अभी सारे सांसद तैयारियों में लगे हैं। आइए जानते हैं रेखा वर्मा, प्रदेश से प्रभारी भाजपा और अजय भट्ट, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दा नहीं है बीजेपी के द्वारा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं है कि एक दो चीजों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसको उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास जारी कर दिया गया। नहीं, ये तो हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हो? देखो, हमारी सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको आगे देखने। संपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। समर्थन महा संपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहां पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है, 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है। उसने पहली बार भारत की तारीफ की है, आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं।